हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ये जिगजैग वाला बॉर्डर बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, आप किसी भी पैटर्न पर इसको मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको मैंने ब्लैक कलर में बनाया है। आप जिस भी कलर का आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो बेस कलर जो आपने रखना है उसी कलर का आपने ये बॉर्डर बना लेना है। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये बॉर्डर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर बनाया है। आप जिस कलर का आपका बेस कलर हो, दो कलर का जो भी बनाना चाहते हैं, तो इस कलर का आप बॉर्डर बनाएं, बहुत प्यारा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे ये पर्पल कलर का ऊन लिया है और 10 नंबर की नीडल ली है। यहाँ पे मैंने देखिए 42-43 फंदे डाल लिए। आपने जितने भी पैटर्न पर फंदे डालने हैं डाल सकते हैं। एक दो फंदे का इशू होता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, मैं बताती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इसके फंदे जब भी आप डालें फ्रेंड्स, तो कोशिश करें एकदम ढीले फंदे डालें। देखिए, या तो डबल सिलाई लेके जो फंदे पड़ते हैं एक साथ डबल, वो वाले फंदे डालें, क्योंकि ये जिगजैग है, जब ढीला रहता है तो बहुत प्यारा इसका शेप आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 3 फंदे देखिए हमने 3 फंदे इसको उल्टा बुनना है। फिर उसके बाद हमने 3 फंदों का ये यहाँ पे 3 फंदों का एक कर देना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने क्या करना है, 3 फंदे को उल्टा बुनना है। ये देखिए, आपका आप लोगों को इसका समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले 3 फंदे सिंपल निट किए हैं, फिर 3 का 1 कर दिया यहाँ पे, फिर 3 फंदा हमने सिंपल बुना है उल्टा उल्टा। फिर हमने देखी यहाँ पे हमारी जाली पड़ेगी, तो ऊन हमारा इसी साइड रहेगा और हम सीधा निट करेंगे। देखिए, फिर एक उल्टा, हमारे यहाँ पे 2 जाली हो गई। तो 2 जाली इसलिए हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 फंदे कम हुए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे 2 बढ़ गए। देन हमने क्या करना है, 3 फंदा बुनना है। 1, 2, 3। फिर हमने देखिए ये 3 का 1 कर देना है। फिर हमने 3 बुनना है। देखिए, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे जाली पड़ेगा, 2 जाली हमारी पड़ेगी। देखिए ऐसे, फिर हमने 3 फंदा सिंपल बुनना है, 2, 3, फिर 3 का 1, फिर 3 सिंपल, देखिए अब 1, हमारे यहाँ पे 2 जाली बनेंगी। फिर हमने 3, देखिए इधर हमारे 2-3 एक्स्ट्रा फंदे, तो हम उसको बुन लेंगे फ्रेंड। अगर हम यहाँ पे 3 का 1 करेंगे और जाली नहीं बन पाएगा, तो हमारा फंदा इधर से कम होता हुआ चला आएगा। तो इसलिए अगर लास्ट में जितने फंदे बच रहे हैं फ्रेंड, तो आप घटाने की बजाय उसको निट कर लें। और देखिए बैक साइड से हमने क्या करना है, बैक साइड से भी हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे जाली है, तो हम इसको भी
बोल लेंगे सारे फंदे, एक भी फंदे हमारे छूटने ना पाए जाली को। और फुली बिने देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आप इसे किसी भी पैटर्न पर डाल सकते हैं। आप इसका अपने लिए जैकेट बनाए फ्रेंड्स, फुल कार्डिगन, हाफ जैकेट, बेबी फ्रॉक, स्कर्ट, किसी भी पैटर्न पे आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका और बहुत इजी फ्रेंड्स। बस आपको लास्ट में और स्टार्टिंग में कुछ ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके एक दो फंदे कम होते नज़र आएंगे, तो इसके लिए टेंशन आप लोग ना लीजिएगा। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बुन गए हैं। अब हमने देखिए आपको स्टार्टिंग में दिखा दूं कि हमारे कितने फंदे, एक दो तीन। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे तीन बुन लिया, तो यहाँ पे तीन का एक हो गया है, दिख रहा होगा आप लोग को, जहाँ पे हमारा तीन का एक होगा तो वो समझ में आ जाता है। तो अब हमने यहाँ पे तीन का एक नहीं करना है, हम ऐसे ही बुन देते हैं। हम यहाँ पे फ्रेंड्स दो का एक कर देते हैं, क्योंकि अगर हम तीन का एक करेंगे तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। इधर के साइड सिर्फ आपने एक दो बढ़ाने घटाने हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर हमने यहाँ पे दो का एक किया है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि एक फंदे इधर से कम होते आएंगे तो उसका कोई इशू नहीं। आप जो तीन का एक करते हैं यहाँ पे दो का एक करें, या कभी कभी एक करें ही नहीं, बस आपने इतना केयर करना है कि हमारा जाली के ऊपर जाली बनना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ पे जाली आ गया, यहाँ पे नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जाली हमारा बन रहा है। तो देखिए ये हमारा जाली के ऊपर जाली बनना चाहिए। अब देखिए हमारा इधर इधर का साइड एकदम सही रहेगा फ्रेंड्स। दो तीन, तीन फंदे हम बुनेंगे। देखिए तीन फंदे हम बुनेंगे, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा तीन का एक किया है, तो फिर ये हमारा बीच में रहेगा, उसके साइड में एक एक फंदे रहेंगे, तो हमारे फिर यहाँ पे तीन के एक हो जाएंगे। इधर का साइड सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा फ्रेंड्स, तीन का एक ऐसे करके। फिर हमने यहाँ पे तीन फंदे बुन लेने हैं, ये देखिए तीन फंदे बुनने के बाद अब हमारा यहाँ पे जाली, जाली के ऊपर जाली, फिर हमारे यहाँ पे तीन फंदे। देखिए फ्रेंड्स तीन फंदे के बाद यहाँ पर भी हमारा ये देखिए अब तीन का एक करना, ये देखिए बीच में आ गया जो मैंने तीन का एक किया था, उसके साइड साइड का एक एक फंदा लेके फिर हमारा यहाँ पे एक हो जाएगा। अब फिर हमने तीन फंदे बुन लेंगे, तो ये देखिए तीन फंदे बुनने के बाद हमारा ये जाली अपने आप आ जाएगा। बस आपने ये स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रेंड्स एक दो फंदे का इशू होता रहता है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, बस हमारा पैटर्न बनना चाहिए। देखिए तीन फंदा हमने बिना, और यहाँ पे मैंने बताया था अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो दो का एक कर देंगे फ्रेंड्स, इसके लिए भी कोई इशू, दोनों साइड में सिर्फ एक दो फंदे का इशू होगा, तो आप लोग उतना अपना कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है जिगजैग। फिर हम बैक साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे,
ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। ये हम फ्रंट साइड आ गए हैं। फ्रंट साइड देखिए फिर एक बार आप लोग को बता दूं मैं। यहाँ पे आपने देख लेना है कि हमारा जाली कब आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपने फंदे को देखिए। हम यहाँ पे दो फंदे बुनने के बाद देखिए, 1 2 3, दो फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे 3 का एक कर देते हैं इस बार। अगली बार आएंगे तो हमारा सिंपल सारे फंदे बुने जाएंगे। फिर उसके बाद 3 का एक करने के बाद देखिए, हमने 3 फंदे बुन लिए, हमारा जाली आ गया है। जाली के ऊपर जाली बनेगा, इतना आप लोग केयर करिएगा, जाली के ही ऊपर जाली हमने बनानी है। फिर 3 फंदे, अब देखिए दिख रहा है 3 का एक हुआ है बीच में, तो हमने ये साइड साइड के एक एक फंदे लेके फिर 3 का एक कर देना है। फिर हमने 3 सिंपल फंदे बुनने हैं। फिर देखिए यहाँ पे जाली आ गई है, अब जाली के ऊपर जाली बनेगा। जाली बनाने के बाद 3 फंदे, फिर 3 का एक कर लेते हैं हम यहाँ पे। फिर देखिए 3 फंदे हम बुनेंगे, फिर हमारा ये जाली आ गया, जाली के ऊपर जाली। फिर 3 फंदे हम सिंपल यहाँ पे बुन लेते हैं। इसको ऐसे निट कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम 3 का एक नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम बार बार 3 का एक करेंगे तो फंदे हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। वो इसलिए कम होंगे क्योंकि इधर हमारी जाली नहीं बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिजाइन बनने लगी है। आपने ऐसे ही सारी डिजाइन को बनानी है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है डिजाइन। बैक साइड से सारा आपने सिंपल निट करना है। ये देखिए, ये ब्लैक कलर में मैंने बनाया है। पूरी डिजाइन ऐसे जिगजैग पैटर्न पे आती है। तो आप ये डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक फॉर